अस्सलाम वालेकुम लजीज़ दोस्त खान, मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुश आमदी। ये स्टू मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, ये ट्रेडिशनल है, ओरिजिनल रेसिपी है। इसे खड़े मसाले से तैयार किया जाता है और एक बंगाली रेसिपी है स्टू का। अगर आप उसे खाना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, कोलकाता में धर्मतला में आप जाएंगे, बहुत सारा स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पर, उसके कैंटीन में वो डिश मिलता है और बहुत सारे रेस्टोरेंट में भी मिलता है, बट वहाँ का बहुत ही ज़्यादा लजीज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप एक बार जाकर ट्राई कीजिए, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा और फिर वो रेसिपी मैं शेयर करूँगी, उसके बाद आप मुझे उसका भी टेस्ट बताइएगा। मटन स्टू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मटन। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मटन लिया है, इसे अच्छे से मैंने धो लिया है और ये मटन विथ फैट है। आप भी फैट के साथ यूज़ कीजिए तो आपके स्टू में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए, इस तरीके का फैट होना चाहिए। और हाँ, खड़े मसाले का जितना भी स्टू बनाया जाता है वो ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रेवी नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून धनिया, खड़ा धनिया है, 1 टेबल स्पून गोल मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और यहाँ पे मैंने लिया 4 मिर्ची तीखी वाली है, लाल मिर्ची है। नमक अपने हिसाब से रखें। और हमें चाहिए कुछ और मसाले। यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम प्याज है, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है, और यहाँ पे 3 इंच का कुटा हुआ अदरक का टुकड़ा है, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मोटा भी नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 कली लहसुन, इस तरीके का बड़ा कली का जो लहसुन आता है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, देख लीजिए, इसे भी मैंने कूट लिया है, इसे भी मोटा कूटना है। 6 हरी मिर्च, और हमें यहाँ पे लेना है 100 ग्राम दही। ट्रेडिशनल तरीके का स्टू मैं बनाने जा रही हूँ, उसमें खट्टा भी बहुत ज़रूरी होता है। आप खट्टे के लिए टमाटर यूज़ कर सकते हैं, दही यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी एक को स्किप कर सकते हैं। और हमें चाहिए 3 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, 6 इलायची, हरी इलायची है, 4 लौंग और थोड़ी सी जावित्री, देख लीजिए, बादियान के फूल हैं ये, हमें हाफ़ चाहिए, पूरा नहीं लेना है, स्टार एनिस भी बोलते हैं इसे। और ये है 2 बड़ी इलायची, और गार्निश के लिए स्लाइस में कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया। इस खड़े धनिया को मैं थोड़ा सा कूट लूँगी, आप भी इसी तरीके से बनाइए। और इसमें डालूँगी जावित्री, बड़ी इलायची, इसे हमें मोटा कूट लेना है, पाउडर नहीं करना है। देखिए, मैंने इसे कूट लिया है, आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का कूटना है। मैं इसे कुकर में बनाऊँगी, बट सीटी लगा के नहीं बनाना है, किसी भी बंद मुंह वाले बर्तन में बनाइए। यहाँ पे मैंने लिया है, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा तेल नहीं है, ये टेबल स्पून से देखेंगे तो ये 4 टेबल स्पून ऑयल है, ये है मस्टर्ड ऑयल, आप रिफाइंड भी यूज़ कीजिएगा, बट ट्रेडिशनल रेसिपी में रिफाइंड तेल यूज़ नहीं किया जाता है, ख़ास करके स्टू में। तेल गर्म हो चुका है और हमें डालना है ये मसाले, और इनके साथ प्याज, प्याज पूरा नहीं डालना है, एक साथ आधा प्याज डालना है, आधा रखना है। प्याज हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट हो गया है, देख लीजिए, इसी तरीके का सॉफ्ट करना है, फ्राई नहीं करना है बहुत ज़्यादा। अब डालना है मटन, इसे अच्छे से चला लेना है।
हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट इसे भून लेना है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमें डालना है नमक, ये मसाले, और ये भी डालना है। इसे अच्छे से चला लेना है। इसे 3 मिनट भूनने के बाद तब डालना है इसमें अदरक लहसुन, अभी नहीं डालना है। और ये जितना भी प्रोसेस मैं अभी कर रही हूँ सब हाई फ्लेम पर। 3 मिनट हो चुके हैं, अब डालना है अदरक लहसुन हरी मिर्च, इसे अच्छे से चला लेना है। अदरक लहसुन भी डाल के हमें 2 मिनट भून लेना है हाई फ्लेम पे। अदरक लहसुन डालकर 2 मिनट भूनने के बाद हमें डालना है दही। दही डालकर मैंने इसे 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालना है पानी, मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमें मटन को गलाना भी है। अब इसे ढककर लो फ्लेम पे कम से कम 20 से 25 मिनट गलने दीजिए, फिर चेक करती हूँ। अगर नहीं गलेगा तो 10-15 मिनट और बढ़ा दिया जाएगा। इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे, बीच में मैंने 1-2 बार चला भी लिया था। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, इसे चेक कर लेती हूँ। अभी ये गला नहीं है, अब इसे थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। पूरे 55 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। ये गल भी दिया है, गल चुका है। अब इसे मिलाना है टमाटर और ये प्याज, इसे अच्छे से मिला लें। टमाटर और प्याज डालने के बाद हमें इसे कम से कम 10 से 12 मिनट और पका लेना है। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही, इसे डिश आउट कर लेती हूँ। अरसलान रेस्टोरेंट स्टाइल स्टू बहुत अलग तरीके का बनता है, जैसे वक्त मिलेगा मैं वो रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ट्रेडिशनल तरीके से खड़े मसाले का स्टू बनकर रेडी है, बहुत ही लाजवाब बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए।
और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।